हेलो वरुण, इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो सीबीएसई 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में मैथ के पेपर में उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, क्वेश्चन पहले भी सीबीएसई के पेपर में आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता उसको एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि उसके चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो फॉर्मूला आप इसको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक तो इसमें ये फॉर्मूला यूज हो सकता है और एक दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो 1/cos कोस थीटा होता है ना, कि कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो अब देखते हैं इसका इसको करना किस तरीके से है। तो देखिए, जब भी प्रूव का क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है, तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चल सकते हैं। तो इसमें हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में ली, इसमें दे रखा मेरे को कोस थीटा या कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये चीज मेरे को गिवन है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लिया जाएगा तो किस तरीके से, नीचे अलग अलग टर्म है दोनों, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो ही इसका एलसीएम माना जाएगा। तो जब इस का मैंने एलसीएम लिया है, जब इस एलसीएम को मैं इस चीज से डिवाइड करूंगा, इस एलसीएम को इस चीज से डिवाइड करूंगा, तो ये वाली जो चीज है कट जाएगी, बचेगा कोस ए। कोस ए के ऊपर जो चीज है उससे गुणा होगी, तो कोस ए इंटू कोस ए, यानी कि कोस ए इंटू कोस ए मैं लिख देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से जब इस एलसीएम को मैं कोस ए से डिवाइड करूंगा, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और ये चीज दो बार लिखी जाएगी। तो इसको मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, इतनी चीज आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अब कोस ए इंटू कोस ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट दो बार है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। और नीचे बचा 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ जो आगे है कोस स्क्वायर है, इसको ऐसे कैसा लिखा, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2 sin a, और b है 1, तो 1 को लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आया 1 प्लस साइन, ये नीचे जो चीज है डिनोमिनेटर में वो ऐसे कैसे रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है बस। अब देखिए, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार इनको मैं पास पास दिखा देता हूँ, अगली लाइन में इसको मैं 1 लिख दूंगा, तो आगे 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो ये जो चीज है ये क्या बन गई, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो जोड़ होता है 1 होता है, आइडेंटिटी है। तो 1 1 प्लस, ये चीज बन गई 1, ये है पीछे 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो यहां से क्या हुआ, देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 sin a, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि मैंने 2 यहाँ से निकालना है, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यहाँ से 2 निकाला तो साइन ए बच गया, और इसके नीचे था 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 अपॉन कोस ए। और 1 अपॉन कोस क्या होता होता है, ये 1 अपॉन कोस होता है सेक। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया 2 अपॉन कोस ए। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो इसको मैं 2 sec a लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाएं।